अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी और आज मैं एक तगड़े किटफोन को रिव्यू करने वाला हूं और ये है मोटोरोला एज 2021। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे यार इस फोन को देखो, तगड़े फीचर्स के साथ आ रहा है, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी है, स्नैपड्रैगन का एक अच्छा हार्डवेयर भी लगा हुआ है इसके अंदर, बट क्वेश्चन ये है क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, आज की वीडियो में सब बताऊँगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो हमेशा की तरह लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अब इस फोन की जो मार्केट में तीन वेरिएंट चल रहे हैं, 6 128 GB वाला, उसकी जो प्राइस है वो 44 से 46 के दरमियान वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, अवेलेबिलिटी, कहाँ पे कैसे अवेलेबल है। बाकी जो दो वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइस भी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। अगर मैं डिज़ाइन बिल्ड को देखता हूँ ना तो उस साइड से मुझे ये फ़ोन ठीक लगा है। बैक साइड के ऊपर चमक धमक वाली ग्लॉसी सी बिल्ड क्वालिटी है, ये प्लास्टिक टाइप है, मतलब शीशा नहीं लगा हुआ, और उंगलियों के निशान वगैरह पड़ जाते हैं ग्लॉसी के ऊपर, और उभरा हुआ कैमरा मॉड्यूल है इसका। बड़े साइज़ का फ़ोन है और थोड़ा सा मतलब वेट भी रखता है, लेकिन बैक जो इसकी कर्व है उसकी वजह से जो इन हैंड फील है ना इसकी, वो ठीक आ जाती है। अब एक थोड़ा सा यहाँ पे डाउनसाइड है कि इसमें ऑडियो जैक कोई नहीं है, ये चीज़ आपके माइंड में रहे। और साइड पे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसकी स्पीड्स वगैरह ओके चलती हैं। एक सिम ट्रे है इसके अंदर, ये सिंगल सिम फ़ोन है, वराइजन कैरियर के ऊपर आता है ये। और दूसरा, इसमें कोई भी माइक्रो एसडी कार्ड आप नहीं लगा सकते, तो जितनी स्टोरेज वाला वेरियंट लेंगे उसी स्टोरेज से गुजारा करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आ जाते हैं इसके डिस्प्ले के ऊपर, तो ये इसका एक मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है जो है 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले। नाम अगर आप इसका देखो ना, लगता है मोटोरोला एज 2021 के ये कोई कर्व डिस्प्ले वाला फोन होगा, बट नहीं भाई, कर्व नहीं है, ये फ्लैट डिस्प्ले वाला फोन है। डे टू डे यूज में 144 हर्ट्ज के ऊपर रख के यूज करते हो तो बहुत स्मूथ फील होता है। और दूसरा यह है कि कंटेंट वगैरह देखने के लिए, वीडियोस अगर आप देखते हो तो एक अच्छी स्क्रीन है, विंग एंगल्स भी अच्छे हैं डिस्प्ले के, कलर कंट्रास्ट वगैरह डिटेल्स अच्छी आती हैं। आउटडोर में मैंने हार्श लाइट में इसको यूज़ करके देखा है, विजिबिलिटी काइंड ऑफ मैं डिसेंट रेट कर सकता हूँ, नहीं तो IPS पैनल मोस्टली सफ़र करते हैं आउटडोर विजिबिलिटी में। और वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी है, अगर आप OTT प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो पे आप कंटेंट कंज्यूम करते हो तो फुल HD में वहाँ पे कंटेंट भी कंज्यूम कर सकते हो। बट एक यहाँ पे डाउनसाइड भी मैं मेंशन कर दूँ कि इसका जो स्पीकर सेटअप है वो सिंगल स्पीकर है। इस कैटेगरी के किटफोन में स्टीरियो स्पीकर होना ही चाहिए था। सिंगल स्पीकर के भी जो लाउडनेस है वो इतनी अप टू द मार्क नहीं है, बट काइंड ऑफ बिलो एवरेज मैं इसको रेट करूंगा। तो ये कौन है, इसके डिस्प्ले के ऊपर टाइपिंग का एक्सपीरियंस ना, फोन को यूज करते हुए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक अच्छे वाले हैप्टिक्स है, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो डिस्प्ले के बाद जो दूसरा हाईलाइटिंग पॉइंट है ना इस फोन का, वो इसकी परफॉर्मेंस है। स्नैपड्रैगन 778G का हार्डवेयर है और ये काफी स्टेबल और तगड़ा हार्डवेयर है। बेंचमार्क्स के ऊपर भी स्कोर बड़े तगड़े निकालता है, 500,000 से प्लस जाता है, और ये 6 नैनोमीटर का है तो पावर एफिशिएंसी भी अच्छी प्रोवाइड कर देता है। अगर आप हैवी यूज़र हो, डे टू डे टास्क बहुत अच्छे मैनेज करेगा, कोई भी लैग जिटर इस तरह के रोले नहीं है इस फोन के साथ। दूसरा, अगर आप गेमर हो तो जो आजकल के टाइटल हैं 60 FPS पे हैंडल कर लेता है, लाइक PUBG मैंने खेली है, तो अच्छे स्टेबल FPS रखता है, चाहे आप TDM खेल रहे हो या आप क्लासिक खेल रहे हो, अच्छा मैनेज कर लेता है गेम प्ले को। जायरो हार्डवेयर वाला, जायरो की मूवमेंट्स भी ठीक है, मैंने लो बैटरी के ऊपर भी गेम इसके ऊपर करके देखी है PUBG में, तो FPS वहाँ पे भी स्टेबल थे, मतलब वहाँ पे भी इसने थ्रॉटल नहीं किया परफॉर्मेंस को। और उसके बाद मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी गेमिंग की है इसके ऊपर, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले जो गेम प्ले हैं वो भी अच्छे हैंडल कर लेता है, मतलब ये अच्छा चिपसेट है स्नैपड्रैगन 778G। मैंने COD मोबाइल भी खेली है इसके ऊपर, वहाँ पे भी वेरी हाई विद मैक्स ग्राफिक्स के साथ जो मैक्सिमम सेटिंग थी, अच्छा गेम प्ले मैनेज करके इसने दिया, मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है। बट एक चीज़ माइंड में रखना, हैवी गेमिंग इसके ऊपर कंटिन्यूसली होती रहेगी, इंटेंस गेमिंग होगी तो हीट कर जाता है ये फ़ोन। आधे पौने घंटे के गेम प्ले में 42 के आसपास ये टेम्परेचर पहुंच गया था, वो अलग बात है आजकल वैसे भी गर्मियां चल रही हैं तो पड़ी पड़ी डिवाइस का टेम्परेचर 37 से 38 हो जाता है आजकल, तो यस थोड़ा सा है गर्म शर्म हो जाता है। बाकी जो मल्टीटास्किंग है वो ठीक मैनेज कर लेता है, UFS स्टोरेज है तो स्टोरेज वाली साइड से भी जो ठीक है चीज़ें, बट स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते, माइक्रो SD कार्ड नहीं लगता है इस फोन के अंदर। और हाँ, परफॉर्मेंस के साथ जो चीज़ कनेक्टेड रहती है ना वो इसकी बैटरी है, 5000 mAh की बैटरी है, मेरे नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़ में मुझे अच्छा बैकअप दे रही थी, लाइक मैं मल्टीमीडिया भी यूज़ कर रहा था, मैं नेटफ्लिक्स गेमिंग भी इवन कर रहा था, इसने मुझे 7 से 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया। ये दोनों स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, मेरा यूज़ भी देख सकते हो, टाइमिंग भी देख सकते हो। तो यस, इसका जो बैटरी बैकअप है 7 से 7.5 घंटे काइंड ऑफ डिसेंट रेट करना चाहूँगा, एक दिन आपका मॉडरेट यूज़ में आराम से निकाल जाएगा ये फ़ोन, अगर आप लाइक मैंने वेरिएबल रिफ्रेश रेट के ऊपर इसको यूज़ किया था। जहाँ तक चार्जिंग की बात है,
30 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। मेरे पास Xiaomi का 33 वाट का चार्जर पड़ा हुआ था, वो इसके साथ कंपेटेबल है और 90 से 95 मिनट तक ये चार्ज कर देता है 0 to 100%। बाकी टाइम साइड के ऊपर मेंशन कर दूंगा। तो यस, परफॉर्मेंस भी ठीक है और बैटरी भी मैं अच्छी रेट करूंगा। कैमरा परफॉर्मेंस इस फोन की मुझे अप टू द मार्क नहीं लगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और जो इस तरह के फोन्स को परफॉर्म करना भी चाहिए था। बैक पर ट्रिपल कैमरा, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का रेलू कट्टा, मतलब कोई कैटेगरी है, और 32 का सेल्फी शूटर है यहाँ पे। डे टाइम के अंदर मैंने काफ़ी फोटोग्राफी इसके साथ की है, बुरी फोटोज़ नहीं आती, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस है उसको मीट नहीं किया इसने। फोटोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर शार्पनिंग नज़र आ रही थी। फोटो को अगर आप थोड़ा जूम करके देखते हो तो डिटेल्स उस लेवल की नहीं मिल रही थी जिस लेवल की होनी चाहिए थी इसके ऊपर। और दूसरा ये है कि वैसे तो हार्श लाइट अगर हो इसका HDR मोड उसको कंट्रोल कर लेता है, बट समटाइम एक्सपोजर को थोड़ा सा डार्क भी कर जाता है। जो स्किन टोन है वो मुझे थोड़ी सी ना अंडर एक्सपोज नज़र आई है, थोड़ी डार्क डार्क सी ना, मतलब वैसे तो इसके कलर्स नेचुरल रहते हैं बट नहीं, वो दिल को लगने वाली जो फोटोज़ होती है ना वो नहीं थी इसके अंदर। नाइट जो फोटोग्राफी है उसके लिए तो भूल जाओ, इसको बिल्कुल भी मत लेना, नाइट में मज़ा नहीं है इसका। जो नाइट मोड है बहुत अग्रेसिव है, ओवर शार्पनिंग के जो एल्गोरिथम है वो फोटो को बेड़ा गर्क कर देते हैं, मक्खी मच्छर बहुत नज़र आते हैं। तो यस, नाइट के लिए भी नहीं है। लो लाइट है, थोड़ी सी कम वाली लो लाइट जो होती है उसमें इसका नाइट मोड चीज़ों को संभाल लेता है, तो वहाँ पर गुजारा कर सकता है। वीडियोग्राफी भी मज़े की नहीं है, 4K रिकॉर्डिंग जरूर कर लेता है ये फ्रंट और बैक दोनों साइड से, बट 1080p पे शिफ्ट करते हो तो ओवर शार्पनिंग वाले सीन शुरू हो जाते हैं, बहुत ओवर शार्प, जैसे वो इन्फिनिक्स टेक्नो वाले फोन में नहीं है उस तरह की कैटेगरी की ओवर शार्पनिंग है। और EIS भी मुझे इतना ऑप्टिमाइज नहीं इसका लगा। तो वीडियोग्राफी में भी मजा नहीं आया मुझे इसकी, फोटोज में सिर्फ मुझे जो इसके पोर्ट्रेट मोड्स है ना बैक साइड से, वो काइंड ऑफ जिसको कहते हैं ना आई प्लीजिंग टाइप के, वो लगे हैं ब्लर में, वो जो एक दाने दाने लाइट का इफेक्ट कर देता है ना फिल्टर के बगैर ही, मतलब सही है। तो 32 मेगापिक्सल सेल्फी का नंबर है, ज़ाहिर है इस नंबर को देख के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, बट ये भी उसको मीट नहीं कर सका। डे टाइम के अंदर मैंने फोटोज़ क्लिक की हैं इसकी सेल्फी की, तो व्यू फाइंडर में तो शार्पनेस अच्छी दिखा रहा होता है, बट प्रोसेसिंग के बाद फोटो को सॉफ्ट कर देता है। लाइक फोटो क्लिक करने के बाद मैं देख रहा था यार कि हो गया, उसके बाद ये है कि आपको हाथ स्टेबल रखना पड़ता है कुछ सेकंड्स के लिए, नहीं तो ये फोटो को शेक भी कर देता है, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। और ये मैं 2-3 फोन्स के अंदर टेस्ट करके आपको बता रहा हूँ, तो कैमरा मज़े के नहीं है इस फोन के। अगर आप कैमराज के लिए इस फोन को देख रहे हो तो ये फोन फिर आपके लिए नहीं बना हुआ। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इस फोन का मुझे ठीक लगा यूज़ करते हुए, एंड्रॉयड 11 पे था, 12 पे मैंने इसको खुद अपडेट किया, 13 की जब अपडेट आएगी आगे तो उम्मीद है वो भी मिल जाएगी इसको। सिक्योरिटी पैचेस की अपडेट चल रही थी, कोई इशू नहीं, बैंकिंग ऐप्स वगैरह ऑल ओके। कैरियर का थोड़ा सा ब्लॉटवेयर है उसको आप हटा सकते हो। मोटोरोला के फ़ोन में ना इनकी कोई हैवी स्किनिंग या थीमिंग नहीं होती, बस ये इनके कुछ एडिड फीचर्स होते हैं, लाइक एक फ्लैशलाइट वाला फीचर, वो मुझे बहुत यूजफुल लगता है, फ़ोन को हिलाने से फ्लैशलाइट ओपन हो जाती है। उसके अलावा जो कनेक्टिविटी है, देखें नेटवर्क रिसेप्शन अच्छा था इसका, मैंने प्राइमरी सिम लगाई थी, कॉल क्वालिटी मुझे अच्छी मिल रही थी। 4G प्लस का सपोर्ट नहीं है, बट 4G LTE के ऊपर डेटा कनेक्शन अच्छी आ रही थी। वाईफाई का रिसेप्शन अच्छा है इसका, और वाईफाई 6 का सपोर्ट ये लेके आता है, तो वो वाली साइड भी ठीक है। VoLTE जो वॉइस ओवर LTE है वो ये सपोर्ट नहीं करता फ़ोन, या करता होगा तो मतलब सपोर्ट मुझे नज़र नहीं आया कहीं पे, ये मेरा बड़ा यूज़फुल फीचर है जो मिसिंग पाया इसके ऊपर। और एक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, देखिए ये सिंगल सिम फ़ोन है, इनके टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में ये महंगे फ़ोन हैं और इनको पैच में ही बेचा जाता है। ऑब्वियसली पैच को यूज़ करना मतलब लीगल नहीं है, बट आजकल जो हालात चल रहे हैं मार्केट में वो चल रहे हैं ये फ़ोन। अगर ये फ़ोन इसका पैच रीसेट करने से या फ़ोन को अपडेट करने से नहीं उठता, बट अगर PTA आजकल ब्लॉक कर रहा है, भाई मैं बता दूं अगर पैच ब्लॉक हो गया तो 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा है, फिर दोबारा पैच करवाना पड़ता है और फिर उड़ सकता है इसका पैच। तो अगर आप इन रोलों में नहीं पढ़ना चाहते तो फिर इस फ़ोन को आप स्किप कर सकते हो, बट अगर आप पैच फ़ोन को यूज़ करते हुए यूज़ टू इन चीज़ों से तो फिर देख सकते हो भाई। तो खैर अभी मेरे इस फ़ोन का तो नहीं मतलब पैच ब्लॉक हुआ, बट मेरे पास और मोटोरोला के फ़ोन हैं उनका पैच ब्लॉक हुआ है PTA की तरफ से, तो मैंने सोचा ये बता दूं आपको, चलने को चलता रहे, उड़ने को उड़ गया तो फिर मसले हैं। सो फॉर योर आसानी मैंने जो अपना ओवरऑल सिनेरियो है ना वो प्रोज एंड कॉन्स में डिवाइड कर दी है। अगर ये जो कॉन्स वाले सेक्शन के अंदर मैंने चीज़ें मैंशन की है इनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर चांसेस हैं आप इस फ़ोन की तरफ देख सकते हो, बट सजेशन मैं यही दूंगा कि अगर आपने 45, 46, 47 इस फ़ोन के ऊपर लगाना है, आपको गेमिंग के लिए लेट्स सपोज लेना ना, मतलब कैमरा तो इसके इतने मज़े के नहीं है, कैमरा फ़ोन तो नहीं मैं इसको रेट करता, गेमिंग के लिए लेना तो फिर LG V60 ले लो, वो भी CPID वाला, 45, 40, 47 की रेंज में मिल जाता है। PULED पैनल है, स्नैपड्रैगन 865 का आता है वो देख सकते हो, या फजिस्टो का आता है वो एरोज 51, उसमें भी स्नैपड्रैगन 865 है, गेमिंग की रिक्वायरमेंट वो भी पूरी कर देगा आपकी। या फिर अगर आप कैमरास के लिए लेना चाहते हो तो फिर 55-56 की कैटेगरी में पिक्सल 4a 5G देख सकते हो, ऑफिशियल PTA अप्रूव है। ऑल्दो ये जो मैंने सजेस्ट किए हैं आपको ये सारे किट फोन है,
बॉक्स पैक फ़ोन की मार्केट भी रिवाइव हो रही है इंशाल्लाह, बट अभी अभी वो लेवल के फ़ोन नहीं है जो मतलब मैं आपको कहूँगी ये किट फोन छोड़ के वो ले लो। जो स्पेसिफिकेशन का मज़ा जो चस्का इन किट फोन्स में है ना, वो अभी बॉक्स पैक फोन्स आपको नहीं देंगे। अच्छी बात है कुछ फोन्स मिल रहे हैं, अगर आप बॉक्स पैक की तरफ जाना चाहते हो 40 की कैटेगरी में नाजो 50 आ रहा है, उनको भी मैं रिव्यू करने वाला हूँ जल्दी, तो उनके लिए भी आप वेट कर सकते हो। इस फोन को आपको आई थिंक अगर आप मेरी सजेशन पे चलते हो तो आपको स्किप कर देना चाहिए, बेटर ऑप्शंस मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा लेना, फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।